मैं सुधीर भगत, एक मुमरा का नागरिक, मुमरा का बच्चा होने के नाते मैंने लोगों से अपील की थी कि मेरा एक फर्ज बनता है, एक दायित्व बनता है मुमरा की ओर, हर माँ बाप को उनका इलाज, उनको स्वस्थ रखना, ये मेरा कर्तव्य है, दायित्व है। उस दायित्व को निभाते हुए SMBT हॉस्पिटल घुटी के मैंने संपर्क किया और उस संपर्क के जरिए से उनको बताया कि यहाँ पर आप एक कैंप रखिए, मेडिकल कैंप, लेकिन कैंप रखते समय ये वादा करिए कि जो इनका इलाज होगा वो सहूलती दर में होगा। यानी अगर कोई भी चीज़ का इलाज अगर 1,00,000 रुपये है तो सिर्फ 25,000 में होना चाहिए, अगर उसका इलाज 10,000 में तो 2,500 में होना चाहिए। यानी कम से कम में हमारे यहाँ की जो आवाम है वो उस रोजमदारी के ऊपर उनका व्यवसाय चलता है, उनका इनकम रोजमदारी के ऊपर है, तो वो हिसाब से मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी। और मैं SMBT हॉस्पिटल की तरफ से आज ये कैंप लगाया गया है जिसमें हार्ट का प्रॉब्लम है आपको, अगर उसका आगे चलकर कुछ भी इलाज निकलता है तो वो लोग सहूलती दर में, बस आएगी 24 तारीख को यहाँ पर, उनको बताया गया है कि 24 तारीख को बस आएगी, उस बस में उनके साथ और एक आदमी को, घर वाले को, वो लेके जाएंगे, उसका इलाज करेंगे और जितने दिन का भी इलाज होगा वो करके उसको वहाँ पर यहाँ पर छोड़ के जाएंगे। सिर्फ चेकअप नहीं, पूरा इलाज करना, ये मेरा मकसद है। इलाज के साथ साथ पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी है, पिकअप और ड्रॉप अप, यानी शुरुआत से अंत तक उसको लेके जा करके उसका, हमने हमेशा देखा है, आपने देखा होगा मुंबई के अंदर के मेडिकल कैंप लगते हैं, उसको सिर्फ चेकअप होता है, उसके बाद उसका इलाज का कोई पता नहीं होता है, लेकिन उसका इलाज करना ये मेरा दायित्व बनता है और वह दायित्व के ऊपर मैं खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ। सुधीर भाई, हार्ट के अलावा और कौन कौन सी बीमारियों की जांच की जा रही है और उनका इलाज कराया जाएगा? हार्ट के अलावा लेडीज लोग को कई प्रॉब्लम्स होते हैं, मानसिक प्रॉब्लम होते हैं, उनके रेगुलर जो प्रॉब्लम होते हैं उसका इलाज भी उनको वहाँ पर कम से कम दर में किया जाएगा। उसके बाद कैंसर का, अगर यहाँ पर आए हुए पेशेंट्स, उनमें अगर कैंसर के पेशेंट्स है उनको भी माफक दर में उनका इलाज किया जाएगा। और सिर्फ इलाज नहीं किया जाएगा, मेरा पूरा दायित्व है यहाँ से लेके जाकर उनको यहाँ पर लेके आना, ये मेरा मकसद है। यानी एंड टू एंड मेडिकल सॉल्यूशन ये मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ आर्थराइटिस, यानी जिसको घुटने पैर दर्द का सांधिवाद है या फ्रैक्चर है या कुछ भी है उनको, उसका भी इलाज यहाँ पर किया जाएगा। और मैं आप सबके माध्यम से मुमरा वालों से फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में, अगर फिर भी आज नहीं आ पाए आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट का ऑपरेशन की जरूरत है या मुझे कैंसर के इलाज की जरूरत है, आप 24 तारीख को आइए 8 बजे। मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपको SMBT हॉस्पिटल तक पहुंचाने की और वहां से आपका इलाज माफक दर में करके यहाँ पर लेके आने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं बहुत खुश हूँ ये बताते हुए कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर मैंने 150 का आंकड़ा पार किया है और कम समय में हमारे पास ये 15 तारीख को हम लोग का ये तय हुआ कि, और 15 तारीख को हमको परमिशन मिली। अभी मैंने कुछ लोगों को 2D ECO के लिए भेजा है, आप जानते होंगे 2D ECO के लिए सिर्फ एक और व्यक्ति को 500 रुपया खर्चा आने वाला है, हालांकि 2D ECO के लिए आप जाओगे तो 2,000 से 2,500 रुपया चार्ज होता है। अभी कुछ लेडीज को और कुछ जेंट्स लोग को मैंने भेजा है और मैं खास करके प्राइम हॉस्पिटल का धन्यवाद देता हूँ कि SMBT हॉस्पिटल और प्राइम हॉस्पिटल कोलैबोरेशन में हमको ये सुविधा दे रहे हैं। मैं आपके जरिए से प्राइम हॉस्पिटल का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ डॉक्टर हिद्दा वरकुटे, हम SMBT कॉलेज से आए हैं। यहाँ पे जो कैंप रखा है, मतलब यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है, यहाँ पे बहुत टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं, उसमें ऑर्थो के पेशेंट्स है, मतलब हड्डी वाले, गायनेक से रिलेटेड है, जो महिलाओं का आजार रहते हैं वो पेशेंट्स है, उसके बाद बाकी भी है मेडिसिन, जिनको शुगर है, डायबिटीज है, वो हर तरह का चेकअप यहाँ पे हो रहा है। और फिर जो पेशेंट यहाँ से शॉर्ट आउट होके जो आगे के ट्रीटमेंट या ऑपरेशन फ्री में करवाने चाहते हैं वो SMBT हॉस्पिटल आ सकते हैं। 24 तारीख को उनको बस मिलने वाली है यहाँ से। कितने पेशेंट का चेक है? अभी यहाँ पे 50 से ऊपर पेशेंट चेक कर चुके हैं। कौन कौन सी बीमारी है? मतलब बहुत से हड्डी की तकलीफ है जिनको, सांडों में ज्यादा, मतलब क्वांटिटी सबसे ज्यादा कौन सी है? ऑर्थो वाले, हड्डी के दर्द वाले। तो चेकअप के दौरान कोई ऐसा क्रिटिकल केस आया है? नहीं, क्रिटिकल ऐसा कोई नहीं है अभी तक।